जय हिंद दोस्तों, आपका मैं एमएस चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविज्ञान चैनल। दोस्तों ये हमारे भिट से काम है, इसके ऊपर नील की ट्रेसिंग की हुई है, आपको दिख रहा है नील दिख रहा है इसके ऊपर कि जो इस पर भिट्स लगाए हैं ये नील की ट्रेसिंग है। इसको काटने के लिए हम इसमें ओब्जोलिक एसिड यूज़ करेंगे, क्योंकि वैसे तो हम इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में भी कर सकते थे, सल्फ्यूरिक एसिड में भी कर सकते थे, लेकिन ये बिट्स इसके ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम इस पर ओब्जोलिक एसिड यूज़ करेंगे। उसी तरह ये है, इसमें भी नलकियों का काम है, इसके अंदर वाइट जिंक का काम है, इसको जो आउटलाइन है ये हीट से निकलेगा, प्रेस से निकलेगा। बाकी जो इस टाइप के जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बिट्स के जितनी ये लाइनिंग दिख रही है, जिंक है। जिंक को हम निकालने के लिए सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट में आप बिल्कुल कहते हैं परफेक्ट केमिकल है, सॉल्वेंट से इसको डालेंगे ये इमीडिएट निकल जाएगा। इसी तरह ये मोक है, ये गले का मोक है, इसमें भी हम इसको सॉल्वेंट से निकालेंगे। इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहे वाइट वाइट लाइन दिख रही होंगी, ये सारे के अंदर इसके अंदर भरा हुआ है, तो इसको भी हम सॉल्वेंट से करेंगे, इसको भी हम सॉल्वेंट से करेंगे। ये सॉल्वेंट से होने वाला है, क्योंकि इसमें भी नील की ट्रेसिंग है, वाइट ट्रेसिंग भी नील की ट्रेसिंग भी है, तो इसको करेंगे। बाकी ये हम इसको वॉश करेंगे और ये हमारे डीसी होंगे, डीसी मतलब इसमें सॉल्वेंट करेंगे इनके अंदर। तो दोस्तों जैसे जैसे प्रॉब्लम होती है वैसे वैसे इसके सलूशन होते हैं, उसी हिसाब से। बाकी काफ़ी लोग कहते हैं सॉल्वेंट से ख़राब हो जाता है, इतना कॉस्टली पीस बन के जब ये ड्रेस तैयार होगी तो बहुत कॉस्टली होगी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से कि आप आँख बंद करके महंगे से महंगे पीस को पेट्रोल कर सकते हैं, पेट्रोल मतलब सॉल्वेंट कर सकते हैं। उसमें आपको हाइड्रो करना है, आपको कुछ नहीं करना, खाली डिप करना है, डिप करके उसको झाड़ के सुखा देना है 2-3 मिनट के अंदर ये पीस, क्योंकि ये जॉर्जेट है, जॉर्जेट के हैं सारे आर्टिकल ये, तो आप आग से बचा के रखें। बाकी आप भी इसको यूज़ करें, इसका फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा, मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।